पानी डाल दिया है, तो ये भाग नंबर दो है। इसमें मैं देखो ये भी इसको हिलाती रहूंगी, जब ये थोड़ा टाइट हो जाएगा तो इसको मैं बंद कर दूंगी। आप भी इसी तरह बनाते रहिएगा। और हलवे का कलर हो गया है लाल, देखो पूरा लाल है क्योंकि लाल ही खाते हैं ये। और अब बड़ी सावधानी के साथ में इसको हिलाना है क्योंकि इसमें से बूंदे, छोटी छोटी बूंदे उछलती रहती है, वह मुंह पर भी हाथों पर भी कहीं भी लग सकती हैं। तो वॉल्यूम को कम करो गैस की और इसको हिलाते रहो, थोड़ी देर में कुछ ही समय में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरे हाथों पे बहुत छीटे छीटे से लग रहे हैं, गर्म हाथ हो रहा है, जल रहा है, गर्मी को जा रहा है, तो मैं इसको बंद नहीं कर दूँगी थोड़ी देर में। जल्दी जल्दी हिलाना पड़ता है, बस हाथ को जल्दी घुमाओ। अभी हलवा बन के हो गया है तैयार। कभी ऐसा हलवा बना दिया है घी में कर, देखिएगा जैसे एक जच्चा का हलवा उठता है, जच्चा का भी ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल लाल हलवा, तो ऐसे ढीला ढीला उसमें खूब सारा घी डाल देते हैं। तो ये देखो बन गया भाई हलवा। आप भी ऐसे कलर का ही बनाई हो, कहीं मैंने तो सफेद बना देती हैं तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, कई लोग तो सो के नहीं खाते हैं उसको। तो दो तीन आइटम बन गए हैं, कढ़ी, चावल, हलवा। और अब मैं गूंदूंगी आटा, फिर रोटियां बनाऊंगी, रोटियां उठा के। ये तो मैंने निकाल दिया सबसे पहले गाय का, क्योंकि हमारे देवता भी इंतजार करते हैं क्या बनेगा चूल्हे पे, तो सबसे पहले उनका निकाल दो, गाय को खिला दो। फिर अब मैं दूसरा निकालती हूँ क्योंकि आज एकादशी है, मेरा व्रत है तो मंदिर में जाएगा सीधा। तो ये मैंने डाल दिया है मंदिर के लिए। ये हलवा भी बन के हो गया है तैयार, ये छोटा पतीला मेरा। तो इसको आप जरूर देखिएगा, इसका कलर भी और इसका स्वाद भी, इसमें कोई भी मैंने कुछ भी वो नहीं डाला कि नहीं, क्योंकि काजू भी हैं, अखरोट भी हैं और बादाम भी हैं, लेकिन डाले नहीं जल्दीबाजी में।
दिया है आटा, ये मैं इसको भून लेती हूँ।